पलवल के होटल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पलवल में होटल में नू सड़क मार्ग पर गांव सौंद में बने सरकारी अस्पताल के गेट पर जमकर गोलियां चली। जी हां, सरकारी अस्पताल के गेट पर जमकर गोलियां चली हैं। इस गोलीबारी में सतेंद्र नाम के युवक की पीठ में और जांग में गोली लगी है। लगभग 20 राउंड गोलियां चली, जिसमें गाड़ी में भी लगी लगभग आधा दर्जन गोलियां। गाड़ी के शीशे भी टूट चुके हैं। दो बाइकों पर सवार होकर बदमाश आए थे। जैसे ही घायल युवक ने अपने 3 साथियों के साथ सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट कराने के लिए आए, वैसे ही इनकी गाड़ी अस्पताल में घुसने लगी तो बाइक पर सवार बदमाशों ने अस्पताल के गेट पर ही गाड़ी में बैठे लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया और ताबड़तोड़ एक के बाद एक 20 राउंड फायर किए। गोली चलने की वजह से अस्पताल के कर्मचारियों में भागम भाग मच गई, लेकिन सूचना के बाद मुंडकटी थाना पुलिस ने 1 घंटे की देरी से पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोलियों के खाली खोलों को बरामद किया है और घायल युवक को फरीदाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही साथ पुलिस अब इसमें जांच कर रही है कि गोली चलाने वाला युवक कौन था, आखिर उसने इतने 20 राउंड फायर क्यों किए, इस तरह की गोलीबारी दिन दहाड़े क्यों की गई। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगना लाजमी है।